हम बातें कर रहे थे, मेजर हरपाल सिंह आ गया अहलुवालिया, एवरेस्ट विजेता, आसमां और भी हैं, बताया जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे खड़े हैं, एकाएक गोलियां आती हैं तो उनको भेज देती हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं। डॉक्टर बोलता है कि अब भर जीवन आप अपने पैरों पे नहीं चल पाएंगे। जिससे शादी होने वाली थी 6 महीने 8 महीने 12 महीने तोड़ देती है नाता। मेजर हरपाल कहते हैं कि मुझे तो एवरेस्ट विजेता होना था, मैं अपने पैरों पे कैसे नहीं चल पाऊंगा। साल डेढ़ साल दो साल व्हीलचेयर से खड़े होना शुरू होते हैं और एक दिन वह खड़े होना उनको फिर हिमालय विजेता बनाती है, एवरेस्ट विजेता बनाती है। ये क्या है? दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति तब होगी जब हम संपूर्ण रूप से अपने पास होंगे। तो जरूर पढ़िएगा, और मैंने इसके लिए आपको सजेस्ट किया, अपना अनुभव शेयर किया कि साहित्य हमें बड़ा और विशाल करता है और अपने पास लौटने में मदद करता है। हम जो दूसरी इसके आगे की जो कड़ी है, अपने को देखने के लिए लिखने की शुरुआत करें। हाँ, इस युग में भी आप चैटिंग करते हो, आप कम से कम उसमें बहुत शॉर्टकट निकालते हो नहीं। आप ले आओ कागज, ले आओ पेंसिल, ले आओ कलम, ले आओ, लिखने की शुरुआत करो। एक ही चिट्ठी लिखो, क्या हो उस चिट्ठी में? सिर्फ अपने सुबह से लेकर रात तक की आपकी जो दिनचर्या रही है उसको आप देखें, उसको देखना और उसको उकेरना। अगर यह प्रक्रिया 2, 4, 6, 8, 10 दिन चलने लगी कि आप सुबह से शाम तक को उकेर सकते हैं, रोज नहीं, सप्ताह में एक दिन ले लो, एक दिन इस अभ्यास को कीजिए, बहुत मददगार साबित होगा। आईने की तरह, जो हमने बात की थी, अंदरूनी आईने की तरह हम अपने को देखने लगेंगे, अपने क्रियाकलापों को देखने लगेंगे, धीरे धीरे बाहर से हम अपने पास लौटने लगेंगे। गॉट द पॉइंट? हाँ, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।